बात करते हैं देखिए एडजेसेंट एंगल के बारे में, सुनिएगा ध्यान से कि टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स। देखिए टू एंगल्स है थीटा वन थीटा टू, दो एंगल्स हो गया, सेम वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स है, क्लियर है। अब देखिएगा वन कॉमन साइड यानी कि ओ भी कॉमन साइड है, क्लियर है। अच्छा टू साइड्स आर अपोजिट ऑफ कॉमन साइड, देखिए टू साइड्स है, ओ ए एक साइड है जो ओ बी सी अपोजिट है और ओ बी सी ओ सी अपोजिट है ना, ये अपोजिट है किसकी, कॉमन साइड के अपोजिट है, क्लियर है। इसी को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब होता है ना क्या कि देखिएगा एक चीज़ मैं बता दूँ कि ठीक है ये और एक मान लेते हैं कि ये, ठीक है तो अब कहा जाए ना कि इसके एडजेसेंट कौन है, तो इसके ये है और ये है एडजेसेंट। अब इसका कहेगा कि एडजेसेंट कौन है, तो इसका एडजेसेंट सिर्फ एक है, ये है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं देखिएगा यहां पर एडजेसेंट के बारे में। वर्टेक्स किसको कहा जाता है, जिस पॉइंट पे दो लाइंस मीट करती है, दो या दो से अधिक लाइन भी मीट करती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। देखिए ओ को वर्टेक्स, अब वर्टेक्स के पास ही एंगल बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल देखिएगा द सम ऑफ टू एंगल्स यानी कि देखिए द सम ऑफ टू एंगल्स, सुनिएगा द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब सुनिए टेक्निकल तरीके से लिख रहे हैं थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब होता है एक एंगल थीटा वन है एक एंगल थीटा टू है, दोनों का सम 90 डिग्री है, क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं देखिएगा टेन, टेन में हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स लगाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स क्योंकि एंगल टू एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर सम ऑफ टू एंगल्स है ना, तो यहां पर भी होगा द सम ऑफ टू एंगल्स ठीक है इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब होता है थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। कभी भी दो एंगल का सम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा एंगल का सम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 यानी कि थीटा वन पहला एंगल थीटा टू दूसरा एंगल इक्वल टू 180 यानी कि फर्स्ट एंगल थीटा वन सेकेंड एंगल थीटा टू दोनों को सम किए तो 180 आया, क्लियर है। अब एक चीज मजे की बात करते हैं ठीक है, इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ध्यान रहे सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है देखिएगा 11 पहले इसको मीट करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से ठीक है। देखिए हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो कॉल्ड ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड लीनियर, सुनिएगा पेयर ऑफ एंगल्स। कहने का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स ही एंगल्स को ही हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो एक टॉपिक्स होता है देखिएगा 11 में हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ठीक है एंगल्स। चलिए पूरा क्लियर है। अब देखिए ये क्या होता है कि देखिए द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इसीलिए तो हमने बात किया था एडजेसेंट एंगल के बारे में बात किया था ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट
एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब होता है, देखिए इसमें भी इज द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो सिंपल सा थ्योरी है, तो इसमें भी तो द सम ऑफ टू एंगल्स कर रहे हैं, तो यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, इसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि देखिएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये कोई एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, ये तो अगर मान लेते हैं कि ओ है ए है बी है सी है, अगर थीटा वन थीटा टू 180 हो गया, 180 हो गया, तो ये तो सप्लीमेंट्री हो गया, तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी का नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना है, 12th में क्या बात करने वाले हैं, देखिएगा अगर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लड़का फंस जाता है, लेकिन यहाँ पर फंसने की बात नहीं है कि कितना भी स्ट्रेट लाइन पर कितना भी एंगल बने ना, तो सबका सम 180 होता है। तो देखो क्या होता है कि मेनी एंगल्स फॉर्म एट अ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, VBI है, मेनी, ठीक है, एंगल्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर ऑलवेज इक्वल टू 180, हुज सम आर अ स्ट्रेट लाइन, मिस्टेक हो गया, यहां पर हम स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरा क्लियर है। कहने का मतलब कितना भी एंगल बने, जैसे मैं देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, चलिए ए बी हमने ले लिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एंगल बना, बहुत सारा एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं बी सी डी ई एफ, चलिए नामकरण कर दिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव, तो कहने का मतलब क्या होता है कि अब हमको क्या करना है, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर प्लस थीटा फाइव, यानी कि 180। देखिए कहने का मतलब सुनिए, हमने तो इतना लिखा है, हो सकता है कि थ्री एंगल्स हो, हो सकता है सेवन एंगल्स हो, एट एंगल्स हो, यानी कि मोर देन टू एंगल्स हो सकता है, तो कहने का मतलब तो सबको सम करेंगे तो कितना का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और बातें करने वाला हूँ, तो तब तक पहले इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिए, याद कीजिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको समझना है, क्योंकि रवि सर का एक कॉन्सेप्ट देते हैं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए, और हम अक्सर बोलते हैं कि चैनल को लाइक करना, अब देखिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ही लोग तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और तो ये तो एजुकेशन है, तो याद रखें कभी भी इस जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके है ना, क्लियर, ओके। हमने बात किया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको शॉर्ट में भी ओ ए हमने लिख दिया है, और इसको हिंदी में कहा जाता है सिरसा भीमुख कोण, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर टू स्ट्रेट लाइन हमने ले रखा है ए बी एंड सी डी, दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट करी है, पॉइंट
O पर इंटरसेक्ट करिए। चलिए तो यहां पर एंगल बनेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर एंगल फॉर्म होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, देखिएगा एक चीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमने टू लाइंस लिया है ताकि समझने में आसानी हो। दो से अधिक लाइन भी हो सकता है, दो से अधिक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ले सकते हैं, लेकिन हमने टू स्ट्रेट लाइन में क्लैरिटी आता है। क्लियर है? चलिए हमने बात किया है, देखिएगा यहां अच्छे से, यानी कि इसमें देखिए एक एंगल यहां है, ठीक है, और एक एंगल यहां बनेगा। ध्यान से सुनिए, समझिए कि आईना है, आईना अगर इधर से हम देखेंगे, ठीक है, सामने में देखना है तो यहां हमारा चेहरा हूबहू दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हूबहू दिखेगा। यानी कि जो यहां पर एंगल होगा, यहां पर एंगल होगा, मान लेते हैं कि यहां पर थीटा वन एंगल बन रहा है तो यहां पर भी थीटा वन एंगल बनेगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, आईना में तो जो हमारा फेस होगा वही ऊपर से भी दिखाई देगा ना। यानी कि कहने का मतलब होता है, जो ये एंगल है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा टू है, तो ये भी एंगल थीटा टू होगा, मतलब इस एंगल का वैल्यूज। क्लियर है? तो अगर देखिए, ये हमने बता दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो कहने का मतलब होता है कि देखिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू, देखिए ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, देखिए क्लियर है ना। चलिए ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल टू ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये इक्वल एंगल होता है, ये इक्वल एंगल होता है। लेकिन कहीं से किसी बुक में बताया जाता है कि देखिए ये एंगल केवल फोर एंगल्स नहीं बनाता है, यस फोर एंगल्स नहीं बनाता है। तो देखिए जैसे मैं हमने बात किया, देखिए ऐसे ऐसे मान लेते हैं, यही ने लिखा है जी, देखिएगा ध्यान से, ए और बी, यहाँ पर सी लिखा है और यहाँ पर हमने डी लिखा। देखिए एंगल यहाँ पर कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं, देखिएगा जरा सा, यहाँ पर एक एंगल आया, एक एंगल यहाँ, यानी कि दो एंगल, यहाँ पर थ्री एंगल, यहाँ पर फोर एंगल हो गया ना। अब देखिए, अब कोई कोई क्या करता है कि एक यहाँ से एंगल फॉर्म करता है और यहाँ आता है। चलिए हो गया बहुत, ठीक है, तो ये हो गया, देखिए एक नंबर, दो एंगल, थ्री एंगल, फोर एंगल और ये फाइव एंगल। हो सकता है कि कोई ऐसे करेगा, सुनिएगा ध्यान से, कोई ऐसे करेगा, यहाँ से लेगा, ऐसे एंगल फॉर्म करेगा, सिक्स, यानी कि एंगल बहुत होगा। लेकिन हमें कहने का मतलब होता है कि हम जा रहे हैं पटना से दिल्ली, समझिएगा ध्यान से, पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो हम दिल्ली के बारे में सोचेंगे ना, दिल्ली के सफर के बारे में। अगर हम कोलकाता के बारे में सोच रहे हैं तो दिल्ली का सफर को छोड़ना होगा। तो हमने यहां क्या बोला है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बात किया है, तो केवल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में ही सोचेंगे, बाकी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहां पर चलिए, ये हमारा परफेक्ट नॉलेज देता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। दिल्ली जा रहे हैं तो कोलकाता के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर, तो इससे पता चल गया ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। जस्ट एक आईना होता है, आईना यहाँ पर रख दीजिए, इधर से देखिए, इधर से दिखेंगे, ठीक है। जो चेहरा इधर से दिखेगा वही चेहरा इधर से दिखेगा, यानी कि जो एंगल का वैल्यू यहाँ होगा वही एंगल का वैल्यू यहाँ होगा। अब देखिए इस नीचे से ऊपर की तरफ जाके देखेंगे तो अगर ये एंगल थीटा टू है तो ये भी एंगल थीटा टू, यानी कि जो हमारा चेहरा यहाँ दिखेगा ऊपर से भी वही दिखेगा। क्लियर है ना? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जरा सा देखिएगा। अगर दो वर्टिकली ऑपोजिट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। यहाँ मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? ये भी सामने है ना, तो सामने 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है टाइप वन में, फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ इच गिवन एंगल, प्रत्येक गिवन एंगल का हमको कंप्लीमेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए टाइप टू में, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ इच गिवन एंगल, टाइप टू में दिया गया है कि गिवन एंगल का, जितने भी गिवन एंगल्स है उसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, 60 डिग्री, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हम कंप्लीमेंट मानेंगे, लेट इट्स कंप्लीमेंट क्या माने, x मान लिए, ठीक है, चलिए x डिग्री मान लिए, चलिए
x डिग्री। अब हम बात करेंगे कि जब इसको और इसको दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है कंप्लीमेंट का। कहने का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि देखिए यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो एंगल का सम यानी कि कितना होनी चाहिए 90 होनी चाहिए। और इसमें देखिए सप्लीमेंट में टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होनी चाहिए। यही ना इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। यहां पर देखिए देखिए कितना होना चाहिए कंप्लीमेंट में 90 डिग्री। तो चलिए 60 + x डिग्री = 90। देखिए लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा यानी कि x डिग्री = 90 डिग्री - 60 डिग्री यानी कि x डिग्री = 30 डिग्री। तो यहां कंप्लीमेंट एंगल कितना आ चुका है कंप्लीमेंट एंगल 30 डिग्री आंसर। ठीक है चलिए यहां पर आंसर लिख देंगे। अब बात करते हैं उसी प्रकार आप लोगों को 25 डिग्री का 72, 50, 76, 80 डिग्री ये सबको बनाना है। ठीक है अब देखिए इसमें क्या है ये HW में है क्लियर। हमने एक क्वेश्चन बना रखा है बना दिया है ताकि इसी बेस्ड पे क्वेश्चन से ये है और आपको सॉल्व करनी है। चलिए हमने बात किया 7 का। देखिए 7 कितना है 70 डिग्री। तो इसका हम मान लेंगे सप्लीमेंट लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। चलिए एक्स डिग्री मान लिए। ठीक है तो चलिए अब क्या कहता है कि देखिए एक 70 है और दूसरा एंगल है एक्स डिग्री तो दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए सप्लीमेंट में। क्लियर है ना। चलिए देखिए एक अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह भी हमारा परफेक्ट है। चलिए एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री = 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू प्लस है राइट साइड में माइनस हो जाएगा 70 डिग्री यानी कि एक्स डिग्री इक्वल टू आ चुका है हमारा कितना 110 यानी कि ये हमारा सप्लीमेंट निकल चुका है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो इसी तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। टाइप 3 में क्वेश्चन है बेस्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे और टाइप 4 में स्ट्रेट एंगल पर बेस्ट है। ठीक है चलिए देखिए यहां पर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। ठीक है तो लीनियर पेयर में भी दो एंगल का सम कितना होता है देखिए टू एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है जस्ट सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर। क्लियर देखिए 13 क्वेश्चन इसको लेकिन बनाने का तरीका है अलग तरीका। देखिए लेट देखिए वन एंगल दिया है अदर एंगल भी मान लेते हैं लेट अदर एंगल भी लेट यानी कि दूसरा एंगल लेट अदर एंगल बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 यानी कि प्लस है तो राइट साइड होगा तो माइनस होगा यानी कि एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी कि एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आंसर आ गया। तो अदर एंगल कितना हुआ अदर एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है अब इसमें बात करते हैं देखिए यहां पर लिखा कैसे जाता है कैसे सॉल्यूशन किया जाता है ये मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट एंगल का। तो देखिए सबसे पहले हमको एक्स का वैल्यूज निकालनी है। एक्स का वैल्यूज क्या है तो देखिए लिखना पड़ेगा ए बी क्या है स्ट्रेट लाइन है ए बी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है चलिए देखिए तो 3x + 2x + x = 180 3 2 5 x 6 यानी कि 6x डिग्री यानी कि 180 डिग्री यानी कि x डिग्री लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है राइट साइड में डिवाइड हो जाता है 180 डिग्री बाय 6 यानी कि कट गया 3 तो आंसर कितना आ गया x = 30 डिग्री। यही तो लाना था ना x का वैल्यू कितना आ चुका है 30 डिग्री। क्लियर है चलिए उसी प्रकार आपको इसको भी सॉल्व करनी है। ठीक है चलिए टाइप 3 हो गया टाइप 4 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है ये प्रैक्टिस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब थोड़ा सा बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर भी कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे है
ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर एक तरीके से ये मिरर होता है, आईना होता है, मिरर यानी दर्पण होता है, ठीक है, मिरर होता है। तो जैसे इस तरीके से देखेंगे जैसा, तो इधर से भी वैसा ही दिखेगा, यानी कि x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर O लिख दिया, इंटरसेक्ट कर रहा O पॉइंट पर, यहाँ भी O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा एक चीज है, तो एंगल AOC इक्वल टू BOD, एंगल BOD क्या है, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट में लिखेंगे BOA, ठीक है। तो AOC एक्स, चलिए एक्स इक्वल टू BOD 30 डिग्री है, चलिए 30 डिग्री आंसर आ चुका है, एक्स हमारा वैल्यू आ चुका है। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा है, जेड का वैल्यू तो नहीं दिया, वाई का भी वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक्स का वैल्यू आ चुका है। तो हम कहते हैं क्या कि मान लेते हैं कि देखिए ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सुनिएगा देखिए ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, चलिए ए बी क्या है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी हमारा अ स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। तो चलिए ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल कितना बनता है, तो जेड डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। चलिए तो इसलिए जेड डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ चुका है, और जेड इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री यानी कि जेड इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि जेड इक्वल टू, देखिए कहीं कहीं हमने क्या दिया है, जेड पर डिग्री नहीं लिखा है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए जेड डिग्री बराबर कितना होता है, 150 डिग्री। अब हम बात करते हैं, देखिए जेड का, ये जेड वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमने यहां पर लिख रखा है, देखिएगा कैसे लिखेंगे कि y, ठीक है, y इक्वल टू जेड हो जाएगा ना, क्यों, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिख देंगे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना, 150, यानी कि 150 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब होता है कि सबको बॉक्स बनाएंगे, एक जगह फिक्स कर देंगे, तो इसलिए x डिग्री इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू 30 डिग्री, चलिए यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया, y इक्वल टू कितना आया है, y इक्वल टू 150 डिग्री, और z इक्वल टू कितना आया है, z इक्वल टू भी 150 डिग्री, यहाँ पर x बॉक्स बनाकर आराम से आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन करना है। तो चलिए जहाँ रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। और हाँ, जो इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि ये जितना चैनल ग्रो करेगा उतना नॉलेज आप लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुँच पाएगा और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।